दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम यूं तो कई उपलब्धियां हैं। क्या आपको पता है कि अटल जी एक अच्छे निवेशक भी थे? दरअसल अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जो पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी चहेते थे। अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को विदा कह दिया था। मौजूदा सरकार ने अटल जी के नाम पर कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अटल जी के पास कितनी संपत्ति थी और अब उन संपत्ति का मालिक कौन है? चलिए आपको बताते हैं कि अटल जी के पास कितनी और कौन कौन सी संपत्ति थी। सेलिब्रिटीज की संपत्ति की जानकारी देने वाली वेबसाइट celebrity.com के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी का जब निधन हुआ तब उनके पास करीब 14.05 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। हालांकि 2004 लोकसभा चुनाव में भरे हुए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 58 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति मौजूद थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के इस हलफनामे के मुताबिक स्टेट बैंक के उनके दो खातों में 20,000 और 3,82,886 रुपए मौजूद थे। इसी बैंक के एक और अकाउंट में उनके 25,75,562 रुपए मौजूद थे। वहीं चल संपत्ति की बात करें तो अटल जी के नाम पर दिल्ली के ई शॉप कैलाश में फ्लैट नंबर 509 है, जिसकी 2004 के समय कीमत 22 लाख रुपए थी। वहीं अटल जी के पैतृक निवास शिंदे की छावनी कमल सिंह का बाग की 2004 के समय कीमत 6 लाख रुपए थी। इस तरह 2004 के शपथ पत्र के लिहाज से अटल जी की कुल अचल संपत्ति 28 लाख रुपए थी। 2004 लोकसभा में भरे गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 1.20 लाख रुपए के यूनिट बॉन्ड्स भी थे। इसके अलावा UTI और 2093 की नेशनल सेविंग स्कीम में अटल जी ने निवेश किया हुआ था। अटल जी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो एक दूरदर्शी इंसान थे और शायद यही वजह थी कि निवेश को लेकर भी वो काफी सजग रहते थे। अटल जी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी एक दत्तक पुत्री है जिनका नाम है नमिता और उनके पति हैं रंजन भट्टाचार्य। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये संपत्ति इन्हें ही मिली है। दरअसल 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत अगर किसी की कोई अपनी संतान नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का मालिकाना हक दत्तक पुत्र या पुत्री को ही दिया जाता है। अटल जी के अंतिम समय में उनकी दत्तक पुत्री नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य ही उनके साथ थे, तो कानून के मुताबिक अटल जी की सारी संपत्ति का मालिकाना हक उनकी दत्तक पुत्री नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य के पास ही है।